जी तो प्यारे बहुत दिन को जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हमने अपने धान की फसल को पानी डालना था और आज जो है ना कुदरत की तरफ से डाल दिया, लेकिन हमारे गंदम का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पहले हमारी ज़मीन चली गई, उसके बाद जो है ना हमारी गंदम का नुकसान हो गया है। क्या करें, बस कैसे ही कुदरत को मंजूर हो। और ये देखें जी, इस साइड से पानी जा रहा है। ये पत्तल हम लेकर आए थे और ये जो है ना दरवाज़ा वहीं से उखोड़ कर दिया अपनी बहनी से, और अभी इसको जो है ना यहीं पर रख दिया है क्योंकि हमने डालनी है जी छत के ऊपर। ये छत जो है ना आंटी जान लोगों का जो किचन था उनकी छत जो है ना ये ऊपर से जाए में खड़ी है और वो खाने बिल्कुल साबित हैं। इनको इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हम यही यूज़ करते हैं। अब देखें जैसे बारिश आई है, अब इसमें खाने पकाने का तो कुछ नहीं हो सकता इस वजह से। और बारिश जो है ना दोबारा से फिर तेज़ हो रही है। अभी बादल भी खड़े हुए हैं और बारिश जो है ना दोबारा से जोर डाल रही है। इस साइड से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से जैसे धुंध वगैरह नज़र आ रही हो। ये धुंध नहीं है, ये बारिश है, सारी की सारी तूफ़ानी बारिश है। यहाँ पीछे से अब हवा भी चल रही है, यहाँ से हवा भी चल रही है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये जो हमने अपने पीटर की नालें वगैरह खोल कर लेकर आए थे वो हमने यहीं पर रखनी है। हम अंदर इसके अंदर जो है ना रखने की कोई जगह नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा सामान पहले भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। वैसे तो इसको बारिश से बचा कर ज़्यादा रखना चाहिए था क्योंकि पानी पड़ता रहना ज़्यादा ऊपर इसको जंग लग जाती है। पहले भी इसको जंग लगी हुई है। ये बाल्टियों के ज़रिए हमने अंदर गंदम शिफ्ट की है। तो ये देखेंगे किस तरीके से सोने पड़े हैं। बस दुआ कीजिएगा और ज़्यादा बारिश ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साइड से बारिश जो है ना दोबारा आ रही है। आपको बता दें हमारे वास्ते ना बहुत ज्यादा बारिश आ रही है और अपने यहाँ नाले वो खुश को निकल रखी है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा आ चुकी है और हमारे घर नाले बहुत सारे गीले हो चुके हैं। अभी मैंने गीले बहुत अंदर रखे हुए सामने भी खा जा रहे हैं। अभी चेक करें जी, जो है ना बारिश शुरू है। ये देखें जी, मेरे कमरे की हालत जो है ना कुछ इस तरीके से हुई पड़ी है। और ये जो है ना हमारी इसके ज़रिए जो है ना पता नहीं क्या मसला, की फिटिंग तो अच्छी तरीके से कराई थी लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है ना यहाँ से निकल आता है बाहर की तरफ। और ये देखें गंदम हमारी सारी जो है ना ज़ाया हुई पड़ी है। पता नहीं कुदरत की तरफ से जैसे कुदरत को मंजूर हो वैसे ही होता है। ये देखें अभी भी जो है ना पानी जा रहे पर नाले चल रहे हैं और ये गंदम हमारी यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी हम इनको इकट्ठा करेंगे जब जो है ना थम जाएगी। और फिर ये देखें कि बारिश जो है ना अभी फिर से ज़्यादा तेज़ हो गई है और अभी जो है ना फिर हम अंदर चलते हैं और जाके जो है ना अपने गंदम को वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। अभी जानवरों को चारा डालने का टाइम है, बिजली चली गई क्योंकि बारिश आ रही है। और मेरी गायें जो है ना वो भी कहीं नहर के अंदर ही ना चली जाए। और बकरियाँ भी जो है ना वो हमारी बाहर खड़ी हैं और बच्चे जो है ना वो अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो प्यारे व्यूअर, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप काम करके रोजाना से 2 से 3 हज़ार रुपये जो है ना अर्न कर सकते हैं। बीना इन गेम एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप जो है ना गेम खेल कर आप जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपया एक दिन का अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना इसका लिंक मेरे चैनल के बायो में लगा हुआ है और बाकी इस वीडियो जो है ना इसके कमेंट बॉक्स में भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। वहाँ से आप जो है ना जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जाना तूफानी बारिश जो है ना वो हमारे जंगल बहाव के साथ ही ले गई है। बारिश काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अभी हमने जो है ना एक दफ़ा रोक दिए थे कि नहीं लेके जाते, लेकिन बारिश जो है ना तूफानी दोबारा से शुरू हो गई है। हवा के साथ बारिश आ रही है। जी तो प्यारे व्यूअर अभी चेक करें जी, बारिश एक दफ़ा थम के दोबारा दूसरी दफ़ा शुरू हो गई है और परनाले जो है ना फुल लेवल पर चल रहे हैं। आज तूफानी बारिश आ रही है। बारिश जो है ना रुकने का नाम भी नहीं ले रही। और इस साइड पर चेक करें हमारे बरामदे में भी पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और बाकी यहाँ पर हमने अपने तिल खड़े किए थे खुश्क होने के लिए, लेकिन ऊपर से बारिशें शुरू हो गई हैं। पता नहीं ये हमारे तिल जो हैं उनका क्या बनेगा। ईमान जो है ना उस साइड पर विजिट कर रही है। चेक करें जी, और हमारे गांव के बच्चे जो है ना वो भी विजिट कर रहे हैं। हमारी भैंस जो है ना उधर ही हमने बांध दी थी, लेकिन गाय और ये जो है हमारी छोटी ये यहीं पर बांधी हुई है तो वो यहीं पर खड़ी है। और बकरियाँ जो है ना हमारी उनको भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, वो भी जो है ना यहीं पर खड़ी हुई हैं। और मेरे कज़न के काम चेक करें कि वो जो है ना स्लीपिंग कर रहा है। कलसूम और ईमान जो है ना वो बाहर विजिट कर रही हैं। अब बारिश आएगी तो तब जो है ना जानवरों को कुदरत का चारा डालेंगे। ये खुश्क जो है ना सिर्फ फौजा जो अम्मी जान करके लेकर आएंगे यही जानवरों को डाल देंगे। अभी काम चेक करें कलसूम का, वो जो है ना पंडाल के नीचे जो है ना नहा रही है, चिल कर रही है। क्यों करते थे ये तो इलाज है जी। तो प्यारे व्यूअर अभी चेक करें माशाल्लाह से बारिश जो है ना कोई थम चुकी है, लेकिन अभी भी रिम जिम हो रही है। और बच्चे जो है ना वो अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं। बकरी हमारी यहाँ पर बिल्कुल भीग चुकी हैं। बकरी और बकरा हमारा जो है ना वो बिल्कुल भीग चुका है और अब उन्हें सर्दी लग रही है और इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं। तो बच्चे जो है ना हमारे पड़ोसियों को देखें जी माशाल्लाह से खूब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर चेक करें जी बाबा जान जो है ना वो रेडी पर बैठकर जो है ना चिल मार रहे हैं। और इस साइड पर मेरे कज़न के काम चेक करें, वो जो है ना अभी नायर में कल्टी मार रहे हैं। ये देखें ऐसे। तो अभी चलते हैं जी। जी तो प्यारे व्यूअर अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी ये घर हमारे पड़ोसियों का। पिछली दफ़ा दिखाने लगा था लेकिन हमारा जो है ना मोबाइल वो बंद हो गया था। देखें जी अभी भी बारिश आई है और ये जो है हमारे पड़ोसियों का घर माशाल्लाह से सारा कच्चा है, लेकिन उनके सेन के आगे देखें जी उन्होंने ये पार्क बनाई हुई थी। पहले यहाँ पर जो है ना गुलाब के फूल काफ़ी ज़्यादा होते थे, हम आते थे और यहाँ से तोड़ कर लेकर जाते थे, लेकिन अब जो है ना कम हो गए हैं। और माशाल्लाह से चेक करें जी यहाँ पर उनके अनार लगे हुए हैं। अनार जो है वो तो बच्चे तोड़ के खा गए हैं और कुछ जो है ना जो बच्चों से बच गए वो खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। और चेक करें माशाल्लाह से उनका सेन। मैंने कहा कि आज व्यूवर्स के साथ जो है ना उनके घर का व्यू भी शेयर करते हैं। 1, 2, 3 और 4 कमरे हैं और साथ में ये बरामदा भी बिल्कुल कच्चा। और देखें उसकी छत किस तरीके से चो रही है नहीं, इसका मतलब है कि वो ऊपर से जो है ना छत से पानी आ रहा है। क्योंकि इसकी जो है ना छाती ये डैमेज हो गई है, इस वजह से इसके ऊपर से जो है ना पानी आ रहा है। और माशाल्लाह से ऊपर देखें उन्होंने साथ में ये जो है ना बूटी लगाई है ये फूल वाली, वो जो है ना काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस बरामदे को तो उसने जो है ना चार चांद लगाए हुए हैं। साथ में ये उनका है जी मड किचन, ये है जी अम्मा जान और बाबा जान का, जो बाबा जान बाहर बैठे थे उनका कमरा है, साथ में इसके बड़े बेटे का, उससे छोटे का, और अब उन्होंने ये एक बड़ा रूम बनाया है ईंटों के साथ, पक्का कमरा, बाकी जो है ना सारे कच्चे ही हैं। यहाँ से अंदरूनी माहौल चेक करें, वैसे ये ऊपर से छत ना चोए तो, लेकिन माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बंदा जो है ना बैठ सकता है आराम सुकून से। जब बारिश आए तो यहाँ पर हवा वगैरह लगती है, जब यहाँ से दूसरी साइड से हवा जो है ना चलती है ना इस साइड से, तो तब यहाँ पर हवा वगैरह लगती है माशाल्लाह से। हमारे पड़ोसियों के जो है ना बच्चे वो भी आ गए हैं जी घर और कह रहे हैं कि कौन इधर चल रहा है। मैं हूँ सर, मैं